कलाकों चोपनी साथे जोही राज्य में सरकारी तबीबों की हड़ताल मौकूफ राखवानी जाहिरात करवामां आवी। एक दिवस माटे आ हड़ताल मौकूफ राखवानो निर्णय करवामां आव्यो छे। आरोग्य विभाग साथे वाटाघाटो बाद आ निर्णय लेवामां आव्यो छे। आरोग्य विभाग साथे वाटाघाटो बाद आ निर्णय लेवायो। आरोग्य विभाग अतिरिक्त मुख्य सचिव साथे तबीबों की चर्चा बाद हवे पड़तर मांगणीओ मुद्दे आरोग्य मंत्री साथे तबीबों बैठक करशे। आजनी बैठक में तमाम मुद्दा नो हल निकलशे तो हड़ताल नी सत्तावार रीते अंत आवशे, नहीं तो आवतीकाल थी फरी हड़ताल पर उतरशे डॉक्टर्स। तो गुजरात में सरकारी तबीबों की हड़ताल मौकूफ राखवामां आवी छे। आरोग्य विभाग साथे वाटाघाटो बाद आ निर्णय लेवामां आव्यो छे। एक दिवस माटे हड़ताल मौकूफ राखवानो निर्णय लेवायो। पड़तर मांगो मुद्दे आरोग्य मंत्री साथे तबीबों बैठक करशे। अतुल तिवारी संवाददाता फोनलाइन पर जोड़ा छे अमारी साथे। जी अतुल, आरोग्य विभाग साथे आजे तबीबों चर्चा करशे अने त्यार बाद जो योग्य निराकरण नहीं आवे तो आवतीकाले सत्तावार रीते हड़ताल करशे। बिल्कुल जुही, जी रीते गई काले राज्यना अलग अलग एसोसिएशन साथे संकळायेला तबीबोए हड़तालनुं एलान कर्युं हतुं, त्यार बादथी ज राज्य सरकार अने जे अधिकारीओ छे तेओ अलर्ट बन्या हता अने हड़ताल न डॉक्टरो द्वारा करवामां आवे ते प्रकारना प्रयासो शरू थया हता, जेना भागरूपे गईकाले रात्रे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अने एसीएस हेल्थ मनोज अग्रवाल नी साथे तमाम जे डॉक्टर एसोसिएशनना होद्देदारो छे तेमनी साथे एक वर्च्युअल बैठकनुं आयोजन थयुं हतुं, जेमां डॉक्टरोने कहेवामां आव्युं हतुं के तेमनी जे पड़तर मांगो छे तेने राज्य सरकार तरफथी स्वीकारी लेवामां आवी छे अने जरूरी नोटिफिकेशन खूब ज टूंका गाळामां તેઓને સોંપવામાં પણ આવશે, પરંતુ ડોક્ટરો દ્વારા જે પડતર માંગણીઓ છે તેની લેખિતમાં તેની તે તમામ આપવામાં આવે તે પ્રકારની માંગણીઓને લઈને આજે 11 વાગે ગાંધીનગર ખાતે આરોગ્ય મંત્રી ઋષિકેશ પટેલ સાથે ડોક્ટરોની બેઠક મળવા જઈ રહી છે, જેમાં જે પણ પડતર માંગણીઓ છે તેના નિરાકરણ સ્વરૂપે શું માર્ગ કાઢવામાં આવ્યો છે, કઈ કઈ માંગણીઓ સ્વીકારવામાં આવી છે તેની સ્પષ્ટતા કરવામાં આવશે, જેને લઈને ડોક્ટરો દ્વારા હડતાલ જે આજથી શરૂ કરવાની હતી તેને એક દિવસ મોકૂફ રાખવાનો નિર્ણય ગઈકાલે મોડી રાત્રે લેવામાં આવ્યો છે। આજે બેઠક જે આરોગ્ય મંત્રી સાથે મળવા જઈ રહી છે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ રહેશે, જેમાં તમામ પડતર માંગણીઓ અંગે સંતોષકારક જો નિર્ણય લેવાશે તો ડોક્ટરો આવતીકાલથી હડતાલ જે છે તે નહીં કરે, અને જો કોઈ પણ માંગણી ને લઈને કોઈ પણ અસમંજસ હજુ પણ યથાવત રહેશે તો ફરી એકવાર ડોક્ટર આવતીકાલથી હડતાલ ઉપર જવાનો જે નિર્ણય છે તે યથાવત રાખી શકે છે। જી બિલકુલ, તમામ જાણકારી બદલ આભાર અતુલ। તો પડતર માંગણીઓ મુદ્દે આરોગ્ય મંત્રી સાથે તબીબો બેઠક કરવાના છે અને આજની બેઠકમાં શું નિર્ણય આવે છે તેના ઉપર આવતીકાલના હડતાલનો દારોમદાર રહેશે। એક દિવસ માટે હડતાલ મોકૂફ રાખવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો। નિવાત માવઠાની આગાહીની गुजरात खेडूतों माटे माठा समाचार। आवतीकाले गुजरात में कमोसमी वरसाद की आगाही है। 21-22 जानुआरी कमोसमी वरसाद की आगाही। उत्तर गुजरात और कच्छ में कमोसमी वरसाद की आगाही है। आज और आवतीकाले दरियो न खेड़वा माटे सूचना आपवामां आवी। अरबी समुद्र में पवन की गति 40-50 किलोमीटर प्रति कलाक नी रहेशे। पवन की गति वधी 60 किलोमीटर प्रति कलाक थई शके छे। अरबी समुद्र माटे खास तकेदारी राखवा माटे चेतवणी आपवामां आवी। उत्तर पश्चिम ने पूर्व पश्चिम समुद्र माटे आ चेतवणी छे। मावठा पहला जरूरी तैयारी करी लेवानी पर सूचना आपवामां आवी छे। डिजास्टर मैनेजमेंट विभागे लिखित में बाबतनी जाण करी छे। एपीएमसी अने खेडूतो पाक सुरक्षित जग्याए मूके ते प्रकारनी सूचना आपवामां आवी छे। तो पवन की गति वधीने 60 किलोमीटर प्रति कलाक थई शके छे। अरबी समुद्र माटे आ खास तकेदारी राखवा चेतवणी आपवामां आवी छे। उत्तर पश्चिम ने पूर्व पश्चिम समुद्र माटेनी आ चेतवणी। मावठा पहला जरूरी तैयारी करी लेवानी पर सूचना आपवामां आवी छे।